हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सखर में रेंजर्स की बरवक्त कार्रवाई, इमाम बारगाह बाबे करबला में घुसने की कोशिश करने वाले दोनों दहशतगर्दों और एक सहूलतकार को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्दों से दस्ती बम और दीगर असलाह बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक खुदकुश जैकेट्स में 15 किलो धमाका खेज मवाद मौजूद था। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहलम पर जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, फिजाई निगरानी भी की जा रही है। कराची समेत कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल और बास शहरों में जुज़वी तौर पर बंद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। सौदा जमीर का हो जब भी दोस्तों, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। फारूक सत्तार की कराची में चहलम के जुलूस में शिरकत और मीडिया से गुफ्तगू, ये भी कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ तुम भी हुसैन के इनकार की तरह। मुस्तफा कमाल पर सख्त तनकीद और PSP से इत्तेहाद कायम रखने के ऐलान के बाद फारूक सत्तार का पाक सरजमीन पार्टी पर वार। डिप्टी मेयर अरशद बोहरा को नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं, फारूक सत्तार का ड्रामा समझ नहीं आ रहा। MQM का अलग सूबे की बात करना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क में जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम के लिए कबल वक्त इलेक्शन कराना मौसर नुस्खा है। माशी बहरान और मफलूज हुकूमत के बाइस वक्त से पहले इलेक्शन जरूरी है। हुकूमत की बदतरीन माशी पॉलिसी से माली खसारा बढ़ेगा, इमरान खान का मौकिफ। सिंध नेशनल फ्रंट तहरीक इंसाफ में जम। सिंध के अवाम खुद को PTI से करीब समझ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला पंजाब और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने कबल वक्त इंतखाबात को खारिज इम्कान करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं जो अपने सूबे में कुछ ना कर सके वो वक्त से पहले इंतखाबात का शोशा छोड़ रहे हैं। आइंदा इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजाहत। कहा नादरा और इलेक्शन कमीशन मिलकर इंतखाबी निजाम बेहतर बना रहे हैं, गलतियों से पाक इंतखाबी फहरिस्तें तैयार करेंगे। अब मुल्क भर में वोटर जहां चाहे अपनी मर्जी के पते पर वोट का इंदिराज करा सकता है। नादरा ने नई सर्विस शुरू कर दी। शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब का घेरा मजीद तंग। देविया पेपर्स मिल्स के रेफरेंस खोलने की नैब दरखास्त पर बेंच तश्कील। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को समाप्त करेगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ रेफरेंस यकजा करने की दरखास्त मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि तीनों रेफरेंसेस में सिर्फ 2 गवाह मुश्तरक हैं, रेफरेंसेस में आए इल्जामात भी मुख्तलिफ हैं। सेनेट इजलास में हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के अखराजात की तफसील पेश ना कर सकी, मुकम्मल मालूमात किसी के पास नहीं। वफाकी वजीर बलीगुर रहमान का एतराफ, चेयरमैन सेनेट पर हम। कहा क्या ये मासी खैरा का घर है, इस मामले पर किसी के पास तखमीना ना होना हैरान कुन है। इजलास एहतजाजन गैर मुयना मुद्दत तक मुलतवी। डॉक्टर आसिम पर बदतरीन तशद्दुद के जरिए मर्जी का बयान लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आसिम के वकील का मौकिफ। आपका कहना है कि बयान पब्लिक करके डॉक्टर आसिम की तजलील की गई, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। जी, रेंजर्स ने ऐसा करके डॉक्टर आसिम की तजलील की, डॉक्टर आसिम के वकील का जवाब। अदालत ने 24 नवंबर को FIR और दीगर दस्तावेजात तलब कर लिए।
पंजाब में मेड इन इंडिया स्मॉग से आवाम का जीना आज भी दोभर। आलूदा धुंध के बायस जमीनी और फिजाई ट्रैफिक भी मुतासर। नई दिल्ली में भी स्मॉग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमराज से आवाम परेशान। एशियाई ममालिक शफाफ और बाहमी तजारत के उसूलों पर कायम रहें तो अमरीका तजारत के लिए तैयार है, मगर इसमें बेकायदगियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वियतनाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब।